फील्डिंग सेटअप इनका प्लस पॉइंट बन के निकला है, लेकिन ऑफ साइड पे वन बाउंस बाउंड्री लगी है। मैच अभी भी जिंदा है, दोनों टीमें जीत सकते हैं। यहाँ पे आखिरी गेंद पे गया ये मैच। नमस्कार, हेलो, आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल और बिग बैश लीग। 2020 के प्लेऑफ्स चालू हो चुके हैं, जहां पे आज के दिन हॉबार्ट हरिकेन सिडनी थंडर का सामना करेगी। कप्तानी की बात करें तो यहां पर कप्तानी कर रहे हैं बैन मैकडरमॉट, वहां सामने कैलम फर्ग्यूसन है। रैंक 4 रैंक 5 की टीम है दोनों। अभी के लिए चलते हैं टॉस की तरफ। आप लोग कमेंट जरूर करें और शाउट आउट चाहिए अगर आपको अगले मैच में, तो प्रेडिक्शन करें इस मैच का और अगले मैच में आप शाउट आउट ले सकते हैं। हाल फिलहाल टॉस में सिडनी थंडर का कॉल है। दोनों टीमों के साथ हम लोग वही अपना वन ओवर का फॉर्मेट में खेलने वाले हैं। टॉस जीता है यहाँ पर हॉबार्ट हरिकेन ने और हम बैटिंग ले रहे हैं यहाँ पर, यानी हॉबार्ट बन के खेलेंगे पहला ओवर, फिर सिडनी थंडर बन के। लेफ्ट साइड पर मुझे गैप दिख रहा है, लेकिन अग्रेसिव शॉट खेलने के बावजूद नहीं लगा है, शॉट लेट है। लेग साइड पे भी गैप, ऑफ साइड पे भी गैप, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि मैं ये गेम फॉर्मेट बहुत टाइम बाद खेल रहा हूँ, इसलिए टाइमिंग बदल गए। अभी तक दोनों शॉट लेट गए, यहाँ पे थोड़ा नहीं, यहाँ पर अभी भी लेट जा रहा है। तीनों गेंदे, अब इसका फायदा थंडर को होगा क्योंकि हम 6 गेंदे खेल चुके होंगे यहाँ पे पहले। ऑडियंस तो लग रहा है हरिकेन के साथ है। चौथी गेंद, हाँ अब जाके लगी बल्ले पे, अभी भी ओके टाइमिंग है। थोड़ा जल्दी खेलना पड़ता है इस गेम फॉर्मेट में, मुझे ऐसा लग रहा है। चौका अभी के लिए, प्लेऑफ है, बड़ी इनिंग करनी होगी। दो गेंदे, 19 रन तक पहुंचा सकते हैं स्कोर को अगर अग्रेसिव खेलते हैं। अरे रे, यहाँ दो का मौका है नहीं, मैं रिस्क ले रहा हूँ जबरदस्ती। यहाँ पे लिया है दो रन, सफल हुए, अच्छी बात है। आखिरी गेंद, नौ बॉल दे दी है। थंडर खुद ही अपना कुआं खोद रही है, अभी कूदना पड़ेगा उसमें खुद ही इनको। नौ बॉल फ्री हिट, एक एक्स्ट्रा रन, एक एक्स्ट्रा बॉल, ऑफसाइड पे ना दे बस। और जो डर था वही हुआ है, मैं कह रहा हूं पर फायदा थंडर को है क्योंकि 6 गेंदे हमने खेल लिए यहाँ पे और यहाँ इनिंग पूरी होती हुई। हॉबार्टी 15 रन बनाए हैं, अगर आखिरी गेंद 9 बॉल नहीं डाली होती तो यहाँ पर 6 रन कम होते, मतलब 9 या 10-11 का टारगेट मिलता मैक्सिमम, लेकिन नहीं। देखते हैं 16 के टारगेट का पीछा कर पाएंगे या नहीं थंडर। स्पिनर को देना पता नहीं कितना सही फैसला है, और इतना सही इसलिए मैंने कहा क्योंकि इससे पहले अच्छी गेंदबाजी की थी इस गेंदबाज ने। यहाँ पर 6 जीत के सिर्फ 10 रन की दूरी। अब दूसरी गेंद और फील्डर यहाँ गेंद के नीचे इंतजार कर रहा है, ड्रॉप करेगा तो मैच ही जाएगा। नहीं, ड्रॉप नहीं किया है, बढ़िया कैच। आसान कभी नहीं होता इस तरह के कैच करना। फील्डिंग सेटअप काफी बेहतर है और गेंद सीधी निकल गई है। कोई 3 गेंदे 10 रन और वहीं के वहीं रह गई है, दिख भी नहीं रही है, एक ही रन मिल पाया है। 2 गेंदे 9 रन चाहिए, निराश लग रहे हैं थंडर के बल्लेबाज। फील्डिंग सेटअप इनका प्लस पॉइंट बन के निकला है, लेकिन ऑफ साइड पे वन बाउंस बाउंड्री लगी है। मैच अभी भी जिंदा है, दोनों टीमें जीत सकते हैं। यहाँ पे आखिरी गेंद पे गया ये मैच। 6 लगेगा तो जीत जाएगी, और निगाहें यहाँ पर बाउंड्री लाइन पर है और 6 लग चुका है यहाँ पे। फाइनल गेंद पे जीता है यहाँ पे, फाइनल गेंद पे यहाँ पे सिडनी थंडर जीता है। 17 बनाए यहाँ पर एक ओवर के बाद, 16 का टारगेट था, आखिरी गेंद पे चाहिए थे 5 जीतने के लिए, ड्रॉ के लिए 4 लगाया 6 और प्रेडिक्शन वीडियो का विनर बन के निकला है यहाँ पे सिडनी थंडर। देखते हैं, ये पहला प्लेऑफ है, सामना होगा जीतने वाली टीम का एडिलेड स्ट्राइकर्स के साथ। दोनों ये दोनों टीमें नंबर 4 नंबर 5 की हैं और नया गेम फॉर्मेट आया है प्लेऑफ का, तो देखते हैं क्या होता है रियल मैच में कुछ घंटे के बाद है। अभी के लिए लेना होगा विदा, जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना सपोर्ट प्यार हमारे वीडियो जो चैनल को देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।